हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी एक्यूकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं जेविनल हेल्पर टू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आ गया हूं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो देखने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि यहां पर ये मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपके कहने पर मैं जेविनल ऑफिस जा रहा हूँ और सचिवालय जा रहा हूँ कल, क्योंकि ये आप विद्यार्थी जितने भी हैं, जिन 4 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, उनको मेरे को बड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि विद्यार्थी मेरे से बार बार में बोलते हैं कि सर आप रिजल्ट निकलाओ, सर रिजल्ट निकलाओ, क्योंकि वो सब विद्यार्थी परेशान हो चुके हैं। अब विद्यार्थी सरकार से तंग आ चुके हैं, तो आपको ये बात सरकार तक पहुंचानी है, तो सर उसको पहुंचाने का एक ही जरिया है, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी, या व्हाट्सअप में आपको मैसेज कर करके, फेसबुक में शेयर करके, इतना शेयर करो ताकि ये बात सचिन पायलट, मुख्यमंत्री बीडी कला जी, CPO, इन सभी के पास पहुँच जाए। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा प्लान बनाया गया है कि रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, रिजल्ट क्या करना होगा आपको। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, किसी की शादी होने के लिए उसको बाकी है कुछ, वो उसके घर वालों ने बोल रखा है कि आपकी शादी हो जाएगी, आप इसे परिणाम जारी हो गया और आपका नंबर आ गया, तो बहुत सारे ऐसे बचे हुए हैं और बहुत सारों की शादियाँ वगैरह हो गई है तब भी वो बचे हुए हैं, और वो भी बहुत ही बड़े कारण हैं, क्योंकि बेरोजगार इतने परेशान हो चुके हैं इस वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि RPSC, RSMSSB और जितने भी परिणाम हैं, जितनी भर्तियों के, वो सब जारी कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ ये वैकेंसी बची है सेकेंड ग्रेड की बची है और SI की बची है। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड और SI का तो आ जाएगा, पर इसका तो अभी तक जारी भी नहीं किया कुछ भी, कम से कम नोटिफिकेशन एक बार तो डाल देते कि आपका परिणाम इस बार जारी हो, जिस दिन जारी हो जाएगा कम से कम एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में तो दिखा देते कुछ, बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, वो 2 महीना भी बोलते तो कुछ चल जाती है। पर यहाँ तक अभी तक एक बात सबसे बड़ी मुझे भी दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर अभी तक इन्होंने कोई नोटिस नहीं जारी किया है। आंसर की 28 फरवरी को लास्ट आंसर की, यानी कि फाइनल आंसर की जारी की गई थी, उसके बाद इन्होंने अभी तक कोई जारी नहीं किया गया इसमें निर्णय। उसके बाद में आपको दोस्तों इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता आपको, क्योंकि ज़्यादा समय खराब करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आपको कल वहाँ पर आना है, जो मैं पूरी जानकारी इसमें दे देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, ऊर्जा मंत्री बीडी कला जी और CPO राकेश शर्मा जी और सचिवालय के सभी मंत्रीगण से निवेदन है, इन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा परिणाम जल्दी से जल्दी जारी किया जाए ताकि हमें जॉब मिल सके, क्योंकि जो भी विद्यार्थी है उनको ओनली क्या चाहिए, जॉब चाहिए। आज का समय बहुत बुरा आ चुका है, भले से उसको कितना ही बड़ा बिजनेस करता हो उससे मतलब नहीं है, घर वालों को ना ही समाज के लोगों को, उनको सबको मतलब है गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब से चपड़ासी की हो या किसी की भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इसी चीज़ की आ गई है। तो अभी आपको यहाँ पर जॉब जरूर चाहिए, और इन सभी जो भी यहाँ पर ये मंत्रीगण वगैरह है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी, बीडी कला जी, इन सभी से निवेदन है कि इसके रिजल्ट को जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और इनकी फाइल है, फाइल को जल्दी से जल्दी सचिवालय में भेजकर जेविनल ऑफिस भेजा जाए और जल्दी से परिणाम जारी किया जाए, जो कि निवेदन है राकेश शर्मा जी से, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो गए और कल सभी विद्यार्थी इकट्ठा होकर के कहां पर जा रहे हैं, तो जेविनल ऑफिस जा रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी विद्यार्थी मित्रों के पास शेयर करें ताकि ये सभी विद्यार्थी मंत्रीगणों के लिए, विद्यार्थीगणों के लिए और सभी के पास पहुंच सके, जितने मंत्रीगण हैं उन सभी के पास पहुंच सके। कैसे भी करके आपको इस वीडियो को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट तक पहुंचाना होगा। कुछ भी करो दोस्तों, मुझे नहीं पता आपको क्या करना है इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने के लिए, पर आपको हाथ जोड़ के मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं है इस वीडियो से, पर मुझे एक ही बात से फिक्र होती है कि मेरे जितने भी भाई है बेरोजगार, उन सभी के लिए मैं आवाज़ उठा सकूँ और आवाज़ को बुलंद कर सकूँ, क्योंकि उनको कुछ सपोर्ट चाहिए। और मेरे साथ बहुत सारे 56,000 विद्यार्थी है, मेरे साथ 56,000 विद्यार्थी है, तो मेरे साथ जो 56,000 विद्यार्थी मुझे फॉलो करते हैं उन सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को 56,000 की जगह आप पहुंचाओ 1,00,000 विद्यार्थियों तक, ताकि ये आवाज़ आगे उठ सके और अपना बड़ा मुद्दा बन सके। तो आज आपको क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना है और आज इस 56,000 को 60,000 में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि 60,000 आदमियों के पास ये बात जाएगी तो आप खुद सोच सकते हो अपना रिजल्ट कितना जल्दी आएगा।
अब आपको मैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। यदि आपको कोई भी ऑफिशियल जानकारी लेनी है, यदि मैं कहीं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ आपको, तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं 100% आपका आंसर दूंगा। और यहाँ पर मैंने जेविनल के बारे में बहुत सारी पोस्टें अपलोड कर रखी है। आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम में स्टडी आईक्यू अकेडमी। क्या सर्च करना है? स्टडी आईक्यू अकेडमी सर्च कर लेना है और वहाँ पर जाके आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पर है महत्वपूर्ण जानकारी। कल यदि आप आना चाहते हो तो सबसे पहले विद्युत भवन आना होगा। तो यदि आप कोई भी विद्यार्थी आ रहे हैं तो कल सबसे पहले आपको विद्युत भवन आना होगा। कितने बजे से कितने बजे तक वो आना होगा? 10 बजे से 11 बजे के बीच में। कितने बजे? 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको कहाँ पर आना है? जेविनल ऑफिस आना है। उसके बाद 29 जुलाई को, कल यानी कि 29 जुलाई सोमवार की ये न्यूज है। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद सचिवालय में चलेंगे, क्योंकि सचिवालय ओपन होता है कितने बजे? 1 बजे सचिवालय खुलता है, 1 बजे से 4 बजे तक। तो अपन चलेंगे 1 बजे सचिवालय, वहाँ पर फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, वो आपको स्लिप लेना होता होगा। जब मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता दूंगा, मैं खुद भी वहाँ पर आ रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँच सकते हो, यदि कोई आना चाहता है तो। ऐसा नहीं है कि आपको आना ही जरूरी है, यदि आप जितने विद्यार्थी हो जो भी जयपुर से बिलोंग करते हैं वो तो ज़रूर आ जाना दोस्तों, क्योंकि आपका वहाँ पर 10-20 रुपये किराया लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि आपने फॉर्म भरा है 800 रुपये का, तो 800 रुपये की जगह 20-30 रुपये कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आपने इतने फॉर्म भर दिए, इतने कुछ कर दिया, अभी तक जॉब नहीं मिली। यदि इसमें जॉब मिल जाती है तो आपका कितना भला होगा, यह आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अब यहाँ पर बात है अपनी, यहाँ पर मैं मुकेश, यानी कि मैं और मुकेश लांबा, रोहित, मनीष जी, ये सभी यहाँ पर आ रहे हैं। जितने विद्यार्थी है वो इकट्ठा हो सकते हैं। यदि विद्यार्थी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, फिर वहाँ पर उपेन यादव जी भी आएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि मैं भी आ जाऊँगा यदि विद्यार्थी बहुत आए तो वहाँ पर, और नहीं आएंगे तभी उपेन यादव जी तो आएंगे सही, यदि आप आओ ना आओ ठीक है वो अलग बात है, पर उपेन यादव जी वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पर बड़ी खबर थी, जितने भी विद्यार्थी हैं अब उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँच सके, और 10 बजे से 11 बजे के बीच में ज़रूर आना होगा दोस्तों। बरसात पड़े या कुछ भी, पर आप आ जाना दोस्तों, छतरी लगा करके आ जाना, पन्नी डाल के आ जाना, कोई बात नहीं छतरी नहीं हो तो, पर आपको आना होगा कल। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने जो वीडियो बनाई वो आपके हित में होगी, और आपके हित में होगी तो आप इस वीडियो को शेयर करोगे ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। कल आपका परिणाम की लिस्ट सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ करेंगे दोस्तों कल फाइल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।